जी इंसल्ट करते होंगे जीतनराम मांझी जी को, वो बड़ा नेता है, बड़ा जनाधार के नेता है, तो अपनी बात को तो रखेंगे, तो ये लोग घबराते होंगे। वही पार्टियां हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के जिसके ऊपर दबाव है, जो चल रहा है, जांच चल रहा है, तो कोई बेल पर कोई जेल वाले लोग हैं, वही सब लोग हैं जो पार्टियां साफ सुथरी पार्टियां हैं वो विपक्ष के साथ जाना नहीं चाहती है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। हर एक चुनाव में जीतनराम मांझी जो सहयोगी दल हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं। इस बार भी कुछ स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी देरी है, लेकिन जीतनराम मांझी की ओर से 5 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। जीतनराम मांझी की जब स्थिति नहीं बनती है अपने सहयोगियों में, तो वह पाला भी बदलते रहे हैं। कभी बीजेपी तो कभी जदयू आरजेडी के सहयोगी बनकर रहे हैं। अलग अलग कुनबाओं में जीतनराम मांझी घूमते रहे हैं। आगे जीतनराम मांझी का क्या स्टैंड होगा? क्या जीतनराम मांझी को अगर 5 सीट से अधिक नहीं महागठबंधन की सरकार में मिलती है तो क्या वह बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं? इस पर बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हूं तमाम बयानों के साथ। एक तरफ विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लोगों से जाकर गुहार लगा रहे हैं, लोगों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रहे हैं, और जो साथ में बैठे हैं वही दल जो है से उनसे टूट रहा है, वही नाराज हो रहा है। तो ये विपक्षी एकता की हवा निकल रही है। सबको पता है कि मोदी जी को हराना मुश्किल है। मोदी जी देश की जनता के इच्छा और आकांक्षा के प्रतीक बने हुए हैं। देश की जनता की चाहत मोदी के प्रति है, मोदी को प्रधानमंत्री रखना चाहती है देश की जनता। तो जनता के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता है। जो वही पार्टियाँ हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के जिसके ऊपर दबाव है, जो चल रहा है, जांच चल रहा है, तो कोई बेल पर कोई जेल वाले लोग हैं, वही सब लोग हैं जो पार्टियां साफ सुथरी पार्टियां हैं वो विपक्ष के साथ जाना नहीं चाहती है। इसलिए उनको अपने साथ वाले पार्टियों को ही मनाने में पसीना छूट रहा है, तो दूसरे पार्टियों को किसको जोड़ेंगे और किसको साथ रखेंगे, यही आने वाले समय में देखना पड़ेगा। क्या जीतनराम मांझी बीजेपी में आएंगे? देखिए, मोदी के साथ, मोदी के प्रति जिन लोगों का विश्वास होगा, जो चाहते हैं कि राष्ट्र का उन्मुखीकरण हो, राष्ट्र की प्रगति हो, राष्ट्र का विकास हो, और वह विकास मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता है, अगर राष्ट्र के विकास में जिनको समर्पण करना होगा, उन सभी का हम स्वागत करेंगे। तैरते नहीं, नीतीश जी इंसल्ट करते होंगे जीतनराम मांझी जी को, वो बड़ा नेता है, बड़ा जनाधार के नेता है, तो अपनी बात को तो रखेंगे, तो ये लोग घबराते होंगे, तो उसी घबराने के क्रम में कोई बात कहा होगा या अल्टीमेटम दिया होगा। क्योंकि आप अलायंस में रखिएगा और उनको जस्टिस नहीं दीजिएगा, उनके अनुसार न्याय नहीं कीजिएगा, तो आदमी तो गुस्सा में होता है, खलबली मचता है, वही खलबली में होंगे। नहीं तो कुछ दिनों की यात्रा निकाल रहे थे, गरीबों के साथ बातचीत कर रहे थे, और भ्रष्टाचार करप्शन पर भी कई सवाल खड़े कर रहे थे सरकार। हाँ, नहीं तो सरकार भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीतनराम मांझी जी रहे करते हैं। वो भ्रष्टाचार जब मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश जी के जो भ्रष्टाचारी गैंग है, जो इस्टीमेट घोटाला करते थे, उसके बारे में उन्होंने गांधी मैदान से भी कहा था। वो इस सब मामले में तो बहुत साफ सुथरा है। तो सरकार भ्रष्टाचार करेगी तो भ्रष्टाचार क्यों नहीं कहेंगे? वो तो गरीबों का नेता है, तो इसीलिए भ्रष्टाचार का उद्भेदन कर रहे थे, इसीलिए नीतीश कुमार ने उनको इंसल्ट करके मुख्यमंत्री पद से हटाया था। तो वो तो उनकी आदत हो, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे। लेकिन क्या माना जाए कि चर्चा ये भी है कि बीजेपी के संपर्क में है मांझी जी? नहीं, बीजेपी के संपर्क में तो पूरी पार्टियां हैं, संपर्क में रहने से क्या होगा? लेकिन बीजेपी एनफ है, बीजेपी को किसी की बहुत ज़रूरत नहीं है, और बीजेपी एक संगठन की पार्टी है, बीजेपी सबकी इज्जत देती है। ये कोई आर जे डी या जे डी यू नहीं है कि अपना पेट अपना दफली बजाने वाली, ये विचारों के साथ चलती है, और सबके सबके साथ स्नेह और सबके साथ विश्वास पैदा करने वाले। अच्छा, महागठबंधन दल हैं, कल जो पहलवान दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके समर्थन में बिहार में भी कैंडल मार्च होगा, प्रोटेस्ट होगा,
किस तरह से देखते हैं वो दिल्ली की राजनीति को यहाँ पर ला करके बिहार में लाने की कोशिश की। अच्छा, इन लोगों को काम क्या है? शिक्षक की बहाली करनी नहीं है, सचिवालय में सब 75 साल के बूढ़ा आदमी को लियन पर रखे हुए हैं, तो कुछ काम करना ही नहीं है, सिर्फ यही काम करना है, कोठी के धान कोठी के धान कोठी। इनको स्कूल से कोई मतलब है नहीं, स्कूल में बेंच डेस्क है कि नहीं, बाथरूम है कि नहीं, पेयजल है कि नहीं, शिक्षक है कि नहीं, कॉलेज की स्थिति क्या, विश्वविद्यालयों की स्थिति यह है कि वो सिर्फ परीक्षा लेने की संस्था बन गई है, रिजल्ट बनाने की संस्था बन गई है, इससे राज्य सरकार कुछ लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य संस्थाएँ जो आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल में कुछ इन लोगों को लेना देना नहीं है, तो यही काम न करना है। कभी कैंडल जलावे, कभी दिया जलावे, कभी लालटेन जलावे, दूसरा तो कोई काम इन लोगों को है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है कर रहे हैं, लेफ्ट पार्टी ने शिक्षकों को समर्थन दिया था कि नहीं, शिक्षकों का की मांग बिल्कुल जायज है। आरजेडी ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी मांगें आती रहती हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता को लेकर के कभी कोई समझौता नहीं हो सकता है, तो क्या परिस्थितियाँ देखती हैं? नहीं, समझौता तो एकदम नहीं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब कितना बेहतर चल रहा है, इसमें समझौता कर भी नहीं सकते हैं। और लेफ्ट पार्टी को ये लोग अब हटाना चाहते हैं, लेफ्ट पार्टी को ये लोग सीट नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उसको थ्रेट कर रहे हैं। और लेफ्ट पार्टी को भी अगर थोड़ा सा हाया है तो समर्थन वापस ले ले। ये मुंह गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं चलेगा। आप सरकार में समर्थन भी दीजिएगा और सरकार से कुछ मांग भी कीजिएगा। आप सरकार से वापस आ जाइए और शिक्षकों के साथ लड़िए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि शिक्षकों की हर लड़ाई जो जस्टिफाइड मांगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहेगा, उस लड़ाई को लड़ेगा।